हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2019 के लिए टॉप 25 करेंट अफेयर्स, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। अभी तक मैंने जितने भी करंट अफेयर्स की वीडियोस दिया डाले हैं अपने चैनल पे, उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हैं। जो पीडीएफ्स दिए हैं आपको स्टैटिक की, चाहे जो भी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड किए हैं, उससे क्वेश्चंस आए हैं। तो मैं ये जान रहा हूँ कि आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। इसके लिए जो है ये अभी जो मैं आपको दो तीन और वीडियोज़ करवाने वाला हूँ, खास करके 7, 8, 9 के शिफ्ट्स के लिए, तो वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का वीडियो देखते ही आपको वो वीडियो देखकर ही एग्जाम जाना है देने। ठीक है, इस वीडियो में चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके एग्जाम में होगा। मैं आपसे एक टेस्ट लूंगा, उसमें 3 से 4 सेकंड का टाइम देंगे, उसमें आपको उसका आंसर देना है और कमेंट करके बताना है कि आपको कितना क्वेश्चंस आता था और कितना क्वेश्चंस आपने सीखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये कि द टॉर्च रिले ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली, द थर्ड एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट विल बी हेल्ड इन, कहाँ होगा। इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको बताना है। जो इसका थर्ड एडिशन हुआ है उस टूर्नामेंट का, वो होने वाला है कहाँ, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, यानी कि गुवाहाटी असम। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है आपसे और ये मैं तिवारा करवा रहा हूँ इस करंट अफेयर्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, Which state showed the maximum increase in forest cover as per the India State of Forest Report 2019? ठीक है, 2019 का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है उसके अनुसार मैक्सिमम इंक्रीज्ड फॉरेस्ट कवर कौन सा स्टेट है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए, यानी कि कर्नाटका इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। According to the India State of Forest Report 2019, which state has the largest forest cover as percentage of total geographical area? Total geographical area के हिसाब से largest forest cover cover कौन सा है state? और इस question का answer होगा D, यानी कि मिजोरम। ठीक है, मिजोरम is the right answer। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, आज के शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है कि अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट एरिया वाइज विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री। अब आप देखिए, क्योंकि ये रिपोर्ट आया है अभी जनवरी का, ये रिपोर्ट है तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है। तो जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो आपके जनवरी, दिसंबर और फरवरी 5 या 10 तक के आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी, यानी कि मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, और इसी पे बेस्ड ये जो दो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो गया आपका, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन गिवेन द एडिशनल चार्ज टू हेड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का एडिशनल चार्ज किसको दिया गया है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी, यानी कि एसएस देसवाल को दिया गया है एडिशनल चार्ज। द यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिलीज द बाइनियल इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इन न्यू दिल्ली, द रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज विथड्रॉन इट्स बायकॉट कॉल फॉर द 2020 कॉमनवेल्थ गेम्स टू बी हेल्ड इन, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि बर्मिंघम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंडियन रेलवे इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम एट अनकपाले रेलवे स्टेशन ऑफ डैश डिवीजन इन साउथ सेंट्रल रेलवे, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी कि विजयवाड़ा इज द राइट आंसर। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ इसमें से आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, 3 पार्ट में ये वीडियो होगा और ये मैं कोशिश करूँगा कि मैं रात तक अपलोड कर दूँ और आप इसको देख लीजिएगा मेरे चैनल से। नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रीज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी, यानी कि बिपिन रावत।
ठीक है, मनोज मुकुंद नारवने से क्वेश्चन पूछ दिया गया है, एक्सपेक्टेड है कि इससे भी क्वेश्चन आपका आ जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ खेलो इंडिया गेम्स हैज अनाउंस्ड दैट लॉन बॉल्स एंड डैश विल बी इंक्लूडेड इन द थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी कि साइकिलिंग इज द राइट आंसर। विच सिटी विल होस्ट द 107th एडिशन ऑफ इंडिया साइंस कांग्रेस। ये जो मैं एक्सपेक्टेड करवा रहा था ये कल ही मैंने करवाया था करंट अफेयर्स, और आज के शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आया है, तो आप समझ सकते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि सॉरी ए हो जाएगा, बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच सिटी वॉज टॉप्ड द क्लीनलेस चार्ट फॉर टू कंक्यूजिकटिव क्वार्टर्स एमोंग सिटीज विथ ओवर 10 लाख पॉपुलेशन एज पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। कौन सा सिटी टॉप किया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि इंदौर इज द राइट आंसर, इंदौर टॉप किया है। अब देखिए ये एक फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको फुल फॉर्म देना है PPR TMS stands for what? The Election Commission of India has launched PPR TMS which enables the applicants to track the status of the applications for the party registration. और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम इज द राइट आंसर। नेम द कंटोनमेंट बोर्ड विच वॉज द वर्स्ट परफॉर्मर एमोंग अदर कंटेनमेंट बोर्ड एज पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। कौन सा वर्स्ट परफॉर्मर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये डी हो जाएगा, यानी कि सिकंदराबाद कंटेनमेंट बोर्ड। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द थीम ऑफ द 107th एडिशन ऑफ द इंडिया साइंस कांग्रेस टू बी हेल्ड इन बेंगलुरु। थीम क्या था? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पैसिफिक नेशन विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बैन सन क्रीम विच इज हार्मफुल टू कोरल्स एंड सी लाइफ्स। कौन सा वो पैसिफिक नेशन है जिसने बैन किया है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा पलाऊ। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप मनी विच हेल्प्स द विजुअली चैलेंज पीपल टू आइडेंटिफाई द डिनोमिनेशन ऑफ अ करेंसी नोट। मनी स्टैंड्स फॉर वॉट? मनी जो है ये बहुत ही ज़्यादा अभी न्यूज़ में है, तो ये स्टैंड्स फॉर वॉट होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, यानी कि मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। ठीक है, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। द फिफ्थ आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 हैज बिगेन इन। फिफ्थ आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है ये कहाँ होगा? तो इसका आंसर सी होगा, यानी कि लेह लद्दाख। हाउ मेनी साइंटिस्ट्स हैव अवार्डेड स्वर्ण जयंती फेलोशिप बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? कितने साइंटिस्ट को अवार्ड दिया गया है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, यानी कि 14 साइंटिस्ट को दिया गया है। अब देखिए ये टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहा है, जैसे कि आज पूछा गया था आपसे धनु यात्रा, उड़ीसा का ये फेस्टिवल था। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये क्योंकि वो भी जो क्वेश्चंस पूछा गया आपसे जनवरी का पूछा गया है, और ये भी जनवरी का है आपको कि इन विच स्टेट ऑब्जर्व्ड हिज रिचुअलिस्ट फेस्टिवल लाई हरूबा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा इज द राइट आंसर। ठीक है, त्रिपुरा का है लाई हरूबा। नेम द हेल्पलाइन सर्विस रिसेंटली लॉन्च्ड बाई UPSRTC यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन फॉर सेफ्टी ऑफ द वुमेन पैसेंजर। सेफ्टी ऑफ वुमेन पैसेंजर के लिए एक हेल्पलाइन सर्विस स्टार्ट किया गया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है दामिनी। ठीक है, दामिनी। द इंडियन रेलवे हैज़ रीनेम्ड इट्स सिक्योरिटी फोर्स RPF एज।
पहले आरपीएफ था, अब क्या नया नाम रखा गया है, रीनेम्ड। इसका आंसर सी होगा, यानी कि इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज। नेम द इंडियन माउंटेनरी हु रिसेंटली कंकेडिंग माउंट विंसन मैसिव अंटार्कटिका हाईएस्ट माउंटेन पीक। और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मालवत पूर्णा। ठीक है, मालवत पूर्णा इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसेंटली लॉन्च्ड साइबर सेफ वोमेन इनिशिएटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसेंटली लॉन्च्ड साइबर सेफ वोमेन इनिशिएटिव। और इसका राइट आंसर बी, यानी कि महाराष्ट्र हो जाएगा। हु हैज इनॉग्रेट्स द वर्ल्ड बुक फेयर 2020 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। हु हैज इनॉग्रेट, कौन इनोग्रेट कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर डी, यानी कि रमेश पोखरियाल निशांक। देखिए ये 25 क्वेश्चंस जो हैं ये मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं इसका, क्योंकि अभी जनवरी का कुछ ही अभी एक से लेकर 10 डेज के बीच का ये आपको करंट अफेयर्स मैंने दिया है, तीन पार्ट्स में मुझे करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करना है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।